मुझे जोमेटो से 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाना है और मुझे अपनी सिस्टर की शादी में देना है। आज है हमारा भाई 5 मिनट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी भाई टाइम हो रहा है 5:25। आज हम जोमेटो में 6 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यू काम करने वाले हैं। हमारा भाई आज 5वां डे है, हमने इससे पहले 4 डे कम्प्लीट कर दिए हैं। तो देखते हैं आज हमारा भाई टोटल कितना काम होता है। 6 बजे से रात के 2 बजे तक हम कंटिन्यू काम करेंगे, इसमें हमारे लिए कितना इंसेंटिव मिल रहा है वो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। इसमें दोस्तों हमारे लिए 6 गिग कंप्लीट करना है, 14 ऑर्डर कंप्लीट करना है, 210 रुपए मिलेंगे भाई। चलते हैं भाई फील्ड में, आपको मिलते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर के साथ में। दोस्तों हम आ गए भाई फील्ड में, अभी 1 घंटे पहले भाई कम से कम आध घंटा बारिश हुई है। यहाँ पे देखो भाई पानी भर गया है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा फिलहाल बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो यहाँ पर लगा देते हैं साइड से हम। अब देखो टाइम देख लो भाई कितना हो गया है, 5:56 हो गए हैं भाई। और हम अपनी आईडी ऑन करेंगे फिक्स 6 बजे, क्योंकि 6 बजे के बाद में जितने भी ऑर्डर हैं वो हमारे भाई टारगेट में लगेंगे। फिक्स 6 बज गए देख लो भाई, हम अपनी आईडी भाई ऑन कर देते हैं और देखते हैं बैक टी शर्ट की भाई सेल्फी मांगता है या नहीं मांगता है। तो भाई बैक टी शर्ट का किसी की सेल्फी नहीं मांगी है, हमारी आईडी ऑन हो गई है। और भाई पे आउट पे जाते हैं, पे आउट पे जाने के बाद में देख लो भाई, कल हमने भाई लेट नाइट में काम किया था 1 घंटे 12 से 1 बजे तक, उसमें भाई 27 रुपये का काम हो गया है केवल। तो ये हम लास्ट में घटा देंगे। अब करते हैं भाई ऑर्डर का वेट, और ये सामने भाई रेस्टोरेंट, यहाँ पर ही भाई ऑर्डर का वेट करते हैं। कितने टाइम में भाई हमारे पास में भाई फर्स्ट ऑर्डर आता है। ठीक, मौसम भाई ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, देखो झरना सा हो रहा है भाई। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो भाई गोप्रो अपना निकाल देंगे भाई, और क्या करेंगे कि मौसम ख़राब हो रहा है ना। इधर तो साफ है सब, देखो भाई केवल ये थोड़ा बहुत बादल है, देखो ये, और ये भी भाई इधर बिल्कुल साफ है, ये ज़्यादा तो यही है सबसे ज़्यादा। चलो भाई ये देखियो, आ गया भाई पहला ऑर्डर आ गया, ये देख लो भाई पहला ऑर्डर हमारे पास में भी 63 का आया है। और इसकी पिकअप लोकेशन तो भाई पास से ही है, और भाई ड्रॉप लोकेशन है 7.21 KM। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। चलो भाई पिकअप करने के लिए चलते हैं, सुंदर से पिकअप करना है। पहला ऑर्डर आ गया, कितने मिनट बाद भाई, केवल 1 मिनट वेट करना हुआ है भाई, 1 मिनट बाद तुरंत ही ऑर्डर आ गया भाई। लेट नाइट हम वैसे भी बैक टू बैक ऑर्डर आते हैं, और आज वैसे भी सबसे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, क्योंकि भाई मौसम ख़राब हो गया था दिन में, तो काफ़ी सारे राइडर भीग गए होंगे, आईडी बंद करके भी चले गए होंगे, तो आईडी बहुत ही कम खुली होंगी भाई। देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कहीं कहीं पर भाई काफ़ी बारिश हो गई है, कम से कम 15-20 मिनट पानी भरा रहा है रोड पर। ये भाई सामने से ऑर्डर पिकअप करना है, यहाँ पे बाइक लगा देते हैं भाई, रीच करके देखते हैं रेडी है नहीं है भाई, ऑर्डर रेडी नहीं है भाई, 6 मिनट वेट करना है, 6 मिनट बाद रेडी होगा ऑर्डर भाई, रेडी हो गया है। चलो भाई 99.73 ये कैमरा बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है जो। चलो भाई केक का ऑर्डर है, ये केक का बहुत ही समर के लेके जाना होगा इसके लिए भाई। देखो भाई बहुत ही ठीक ठाक करके रख लिया है, अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और बाइक भी हम बहुत ही हल्के लेके जाएंगे भाई। लोकेशन देख ले भाई, सेक्टर 98 में देना है भाई ऑर्डर हमारे लिए, 98। चलो भाई लोकेशन बताए, अच्छा अच्छा बताओ भाई, अच्छा अच्छा बताओ भाई। भाई चलते हैं, और भाई से थोड़ी मुलाकात कर ली, भाई ने हमें पहचान लिया था, कह रहे थे भाई आप वीडियो बनाते हो, तो 2-3 न्यू अपडेट आए थे इसमें, 3 न्यू अपडेट आए थे, उसके बारे में भाई को हमने बता दिया है, और आप लोगों को बता देते हैं। हमने भाई एक वीडियो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लेना भाई जाके आप, उसमें भाई 3 न्यू अपडेट है, और बहुत ही भाई अच्छे न्यू अपडेट है, बहुत ही बढ़िया। तो उसके जाके भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ अपना। कस्टमर की कॉल आ रही है भाई, पहले हम बात कर लेते हैं, बात कर लिया भाई, कंपनी की कॉल थी। चलो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा देर, रेड लाइट पे खुल गई भाई, खुल गई रेड लाइट, चलो भाई बढ़ो, चलो भाई चलते रहो, समर के भाई। बाइक देख लो भाई हमारी कितनी चली हुई है, बाइक है भाई 32,649, अब देखते हैं भाई लास्ट में कितनी चलती है भाई। बाइक का मीटर खराब हो गया भाई, 49 पर ही दिखा रहा है अभी तो, 32,649, देखो भाई बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है भाई, खराब हो गया भाई मीटर। चलो हो जाने दो भाई, वैसे भी अनजाद है हमारे लिए भाई,
कि कितने रुपए में कितनी पेट्रोल लग जाती है, और ऑर्डर मुझे देना है भाई, इसमें ऑर्डर देना है सामने। अब रोक लो, साइड से रोक लो, रेड लाइट बंद हो गई। चलो इधर से साइड से लगा देते हैं। चलो भाई रेड लाइट खुल गई भाई, बड़ो बड़ो हमें इधर जाना है भाई, आगे से यूटर्न लेना है भाई। तो कस्टमर को कॉल करनी होगी हमारे लिए भाई, लोकेशन यहाँ की दिखा रहा है, देख लेते हैं एक बार। केक का ऑर्डर है भाई, बहुत ही समर के लेके आए हैं इसको। तो बाइक लगा देते हैं यहाँ पर, आगे लगाते हैं थोड़ी। लो भाई लॉक लगा दो, अंदर हेलमेट पहन के भाई अलाउ नहीं है, ऑर्डर सेफ है देख लो भाई। चलो भाई लेकर इसको। दोस्तों ऑर्डर तो भाई दे दिया है, और कस्टमर भाई नीचे ही आ गए थे, ऊपर जाना मना था, इसको ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। देखो भाई कितने रुपए मिलते हैं इसमें, इसमें भाई 63 रुपए मिले हैं हमारे लिए भाई। चलो भाई नेक्स्ट कर देते हैं, न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं। रैन सर्च लग गया है भाई, कौन से सेक्टर में, सेक्टर 120 में। दोस्तों न्यू ऑर्डर भाई हमारे पास में आ गया है, 55 का आ गया है, और इसकी पिकअप लोकेशन है भाई 1.5 किलोमीटर, और ड्रॉप लोकेशन 6 किलोमीटर है भाई। इसको कर लेते हैं भाई हम एक्सेप्ट। लो भाई और पिकअप कहाँ से करना है भाई, पिकअप लोकेशन भाई पास से दिखा रहा था, इसमें दिखा रहा है 2 किलोमीटर पिकअप करना है। अच्छा ये इधर से दिखा रहा है, चलो हाजीपुर से करना है पिकअप। इधर से लोकेशन इसलिए नहीं दिखा रहा था, देखिए भाई ट्रैफिक, रेड लाइट पे ट्रैफिक भाई। चलो भाई कहाँ उल्टा फंस गया भाई, उधर से ही ठीक था, इससे बढ़िया। आ गए भाई ट्रैफिक को पार करके, बहुत ही अजीब ट्रैफिक था भाई, यहीं से पिकअप करना है। एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ऑर्डर पिकअप करना है भाई सामने से, अंदर से। देखो पहले हम इसमें एक फ़ोटो दिखाते हैं आपको, बड़ा मस्त फ़ोटो लगाया किसी ने लगाया, देखो भाई, देखिए भाई बिल्कुल नंगा, केवल भाई आधा नेकर पहना है बस। ऐसी फोटो मत डाला करो भाई, खींच के गलत है भाई ये बात करते हैं, किसी की मतलब नंगी फोटो डाल दिए। देखो भाई रेडी ऑर्डर, चलो पिकअप कर लेते हैं इसको, यहाँ से दिखाना जरूरी है, इसमें से बार बार दिखा देंगे ना तो भाई हमारा फ़ोन और जैक ख़राब हो जाएगा, एक बार तो हो गया दोबारा फिर हो जाएगा। इसमें दिखा रहा है ये भाई, अंदर है अंदर, ऑर्डर दे दिए भैया, पिकअप देखो, ऑर्डर भाई पिकअप कर लिया है। यह है ऑर्डर मुझे देना है भाई सेक्टर 78 में, 78। इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर क्या है भाई, ऑर्डर आएंगे हम कंप्लीट करते जाएंगे भाई। तो गड़बड़ है भाई, सोसाइटी नहीं है, कौन सी सोसाइटी में देना है भाई, सोसाइटी नहीं है इसमें लिखी हुई। भाई सोसाइटी लिखी नहीं है, कस्टमर को कॉल करना होगा हमारे लिए लोकेशन पे पहुंचने के बाद। पहले भाई लोकेशन पे पहुंचते हैं, अरे भाई, उसके बाद कस्टमर को कॉल करते हैं। अभी भाई से टकरा जाती भाई। आ गए भाई लोकेशन पे, हमें बताना है OTP। बाइक खड़ी कर दें कहाँ पर भाई, बढ़िया भाई, OTP बताना है केवल भाई। भाई OTP डाल दियो, 531 543। चलो भाई इधर अम्मी, चलो भाई साइड से, इधर से जाना अलाउ नहीं होता है, देखो जी खड़े हैं भाई, इधर से कर दिया मना। चलो भाई हम दोस्तों आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर हमारी बाइक फिसली थी भाई, बहुत ही दूर तक गई थी रपट के भाई। कौन सा है वो, देखो ये वाला है, ये ब्रेकर हम पार कर रहे थे, उसकी जगह मैंने यहाँ से ले ली थी अपनी बाइक, जहाँ पर भाई फिसलती हुई गई थी। तो आगे जो मटकाट ये मोखड़ा है इसका भाई थोड़ा बेकार हो गया था, यही है भाई। चलो टावर देखते हैं किधर है, क्रेमा टावर जो ये है। चलो भाई यहाँ पर बाइक खड़ी कर देते हैं, को रीच करके देखते हैं, कैश का तो ऑर्डर नहीं है भाई, COD नो कैश है। चलो भाई ऑर्डर ले लेते हैं, छोटा सा पैकेट है,
एंट्री करा लेते हैं भाई, एंट्री करा के। और ये देना है भाई 13वें फ्लोर पे। ऑर्डर तो भाई डिलीवर कर दिया है भाई, बैटरी लो दिखा रहा है, बैटरी तो चार्ज। चलो भाई, भाई वो जिप देखो भाई सामने दिखा रही है आपको, कितने कट्टे लगे हैं उस पर देखो, दिखाते हैं पास से। देखो भाई देख लिया, मतलब बैठने की जो जगह है वही केवल सेप है भाई। देखते हैं कितने टाइम में भाई ऑर्डर आता है, सर्च लगा हुआ है सेक्टर 76 में। चलो भाई देखते हैं। और सूर्यदेव भी अपने घर पर जा रहा है, देखो भाई। अच्छा सूर्यदेव गए भाई, थोड़ा थोड़ा दिन है। अगर जो भी बंदा भाई जोमेटो से जुड़ना चाहता है उसके लिए भाई न्यू मैसेज है, देखो भाई केवल 49 रुपए में भाई। वैसे आप जोमेटो ज्वाइन करोगे तो आपके लिए 1700 रुपए देने होंगे। और अभी भाई ऑफर चल रहा है, जिस किसी को भाई ज्वाइन होना है तो ऑनलाइन अपनी आईडी बना सकते हो। ऑनलाइन बनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो भाई इंस्टा पर जाइए, इंस्टा पर हमें भाई कमेंट कीजिए, अपना नंबर और नाम दोनों भाई हमारे लिए सेंड कीजिए। देखो भाई 33 रुपए का भाई हमारे पास में ऑर्डर आया है और सर्च मिल गया है। देखो भाई 18 रुपए सर्च मिला है इसमें। कितने किलोमीटर का है भाई? 3 किलोमीटर का है। आ गए भाई पिकअप लोकेशन पे। देखो भाई यहाँ पे तो अंदर पानी भरा हुआ है भाई, सामने से ऑर्डर पिकअप करना है। देख लेते हैं, रेडी है नहीं है पिकअप, 2 मिनट वेट करना है। चलो कर लेते हैं भाई वेट। ऑर्डर भाई रेडी हो गया, चलो भाई इसको पिकअप कर लेते हैं भाई। 30-18 दे दिए भैया। लो भाई हो गया पिकअप, चलते हैं भाई इसको लेकर। छोटा ऑर्डर है तो दूरी कम होगी इसकी। कहाँ देना है? सेक्टर 51 में देना है, ई ब्लॉक में। चलो भाई समझ के रख लिया है। चलो भाई लोकेशन सेट कर ली है, ऐसे दिखा रहा है, इधर से जाना है। चलो इसको भी ड्रॉप करते हैं भाई। 76 की मेट्रो है और ये नया एक पेट्रोल पंप बन गया है यहाँ पर, देखो ये भाई 76 में। और छोटा मोटा पेट्रोल पंप नहीं है भाई, काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है भाई ये। तो ये है कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी कभी भी इतनी। आ गए भाई लोकेशन पे और भाई यहीं कहीं पर ऑर्डर देना है भाई। इस पर तो भाई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है भाई, कैसे दें ऑर्डर? कॉल करते हैं कस्टमर को, ये हो सकता है ये। चलो भाई कॉल कर लेते हैं कस्टमर को। एक 1069 जी, नए नए भाई। एक दो, लो भाई ऑर्डर दे दिया भाई, कैश का ऑर्डर है। 60 ये हो गए और 10 ये 70। लो भाई चलो इसको रख देते हैं भाई। कलेक्ट पे टैप करते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसमें भाई 59 रुपये मिले थे, ऑर्डर के हमारे लिए भाई 41 रुपये मिले थे, 18 रुपया सर। न्यू ऑर्डर आ गया भाई, देखो भाई 79 का ऑर्डर आया है और इसकी पिकअप लोकेशन पास से है। और भाई ड्रॉप लोकेशन है 9.36 km, ये 9.5 किलोमीटर का मान लो भाई। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट। लो भाई ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, चलो इसको भी पिकअप करते हैं। दोस्तों एक भाई हमारे पास में ऑर्डर आ रहा है 52 रुपये का और इसकी पिकअप लोकेशन पास से है भाई और ड्रॉप लोकेशन है 6.48 km। कर लेते हैं भाई इसको एक्सेप्ट। चलो भाई पिकअप करने चलते हैं भाई। और भाई टाइम कितना हो गया है, टाइम बता देते हैं भाई आप लोगों को। 11:37 हो गए भाई और अब तक टोटल काम कितने का कर लिया है वो आपको दिखा देते हैं हम भाई। तो भाई काम कितने का हो गया है, ब्रजवासी से पिकअप करना है, काम देख लो भाई। ये देखो अर्निंग पर जाते हैं, 6.5 घंटे हो गए मुझे भाई आईडी ऑन करे हुए और 12 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। तो एक ऑर्डर भाई इसमें कल का 27 रुपये, 5.5 घंटे में 750 का काम मान लो भाई, 750 का काम हो गया है। अभी हमारे लिए भाई 2 घंटे काम और करना है। 2 घंटे के लिए भाई हमारे लिए गिग बुक करना है 12 से 2 बजे तक, वो भी गिग बुक कर देते हैं भाई 12 से 1, 1 से 2। हमने लेट नाइट में भाई 2 गिग बुक कर दी है, लेट नाइट गिग। तो ये देखो 12 से 1, 1 से 2। लो भाई अब ओके कर देते हैं, अब देखते हैं भाई 2 घंटे में कितनी कमाई होती है। चलो भाई हमने गिग बुक कर दी है, अब मुझे करना है 2 बजे तक काम, क्योंकि तभी हमारे लिए भाई इंसेंटिव मिलेगा 210 रुपये, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा भाई।
मैन फंडा तो इंसेंटिव का है भाई, इंसेंटिव लोगे भाई तो आपके लिए 6 गिग भाई कंप्लीट करनी होगी, और भाई इंसेंटिव नहीं लोगे तो भाई अपनी मर्जी है, जहाँ 2 गिग कंप्लीट करो या फिर 1 गिग कंप्लीट करो, वो तो अपनी मर्जी है। आ गई ब्रजवासी पे, देखियो रास्ता कितना बुरा है यहाँ पर भाई, बहुत ही ख़राब रास्ता हो गया है भाई। ये ब्रजवासी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं साइड से, देख लेते हैं भाई ऑर्डर रेडी है या नहीं है। 7 मिनट वेट करने के बाद में भाई ऑर्डर रेडी होगा, कर लो वेट भाई। और एक राइडर और है, 12 बजे के बाद सुनसान हो जाता है सब कुछ। देखो भाई रात में काम करना बहुत ही रिक्सी है भाई, रात में जो भी बंदे काम करते हैं ना तो बहुत रिक्सी काम है रात में, तो भाई 11-12 बजे तक तो ठीक है, उसके बाद रिक्सी है। ऑर्डर भाई रेडी हो गया भाई, जो सिस्टम सही है भाई यहाँ पर भाई। 96-61 दे दियो भैया, 96-61 हो गया भाई पिकअप। चलो भाई इसको लेकर चलते हैं, इको विलेज वन में जाना है, और ये जाना है भाई ग्रेटर नोएडा की साइड जलालपुर। चलो भाई देखो भाई अगर रात में काम करो तो भाई बहुत ही सोच समझ के करना, देखो भाई हर जगह पानी भरा हुआ है, ऐसी कम तैसी हो जाए, अपनी अलग होगी और बाइक की अलग क्यों भाई। चलो भाई चलते हैं, इस ऑटो को भाई जल्दी जल्दी डिलीवर करते हैं, और भाई आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं रात में अपना मतलब रिक्सी होता है काम भाई, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से काम करो और कुछ नहीं इतना। हम आ गए भाई सोसाइटी पास में, इधर से ही एंट्री होगी भाई। यहाँ पर खड़ी कर देते हैं बाइक, एंट्री करा लेते हैं, ओटीपी तो नहीं है। एंट्री भाई हो गई है, और B14 कौन सा है ये सामने भाई, बाइक खड़ी। भाई ऑर्डर रख के 3rd फ्लोर हमने दबा दिया है। चलो भाई ऊपर जाना अलाउ नहीं है, ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। हो गया भाई ऑर्डर डिलीवर, 51 रुपये। नेक्स्ट इतने भी टावर है सब में यही रूल होगा इसमें तो भाई। अच्छा इधर से चलो भाई, मैं तो भाई सोच रहा हूँ ना सोसाइटी में अंदर जाना ही अलाउ बंद हो जाए रात में 12 बजे के बाद में, सब लोग बाहर आए लेने के लिए। कुछ सोसाइटी दोस्तों ऐसी होती है जिसमें भाई अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, मेन गेट पर ही आते हैं। और सेक्टर 75 में है भाई एक सोसाइटी ऐसी, 12 बजे के बाद में अंदर सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है भाई, बाहर ही आओ लेने के लिए ऑर्डर। अपनी लोकेशन पर चल रहे हैं भाई। तो भाई दोस्तों हमारे पास हम भाई ऑर्डर आ गया, 44 रुपए का ऑर्डर आया है ये देखो भाई, और इसकी भाई पिकअप लोकेशन देखो भाई 4.5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन, और भाई ड्रॉप लोकेशन है 2.5 किलोमीटर। चलो भाई बर्गर किंग से ऑर्डर पिकअप करना है, ऑर्डर तो भाई एक्सेप्ट कर लिया हमने, मुश्किल से होगा यहाँ पे नेटवर्क इशू ज़्यादा आता है भाई। चलो भाई हो गया एक्सेप्ट, काफ़ी देर में हुआ है धीरे धीरे। और ये देखो भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नोएडा में आपका स्वागत है। हम भाई नोएडा में घुस गए, इससे पहले ग्रेटर नोएडा गए थे, अभी हम आ गए भाई पिकअप लोकेशन। और ये भाई गिर गई भाई, बच गई भाई, इस पर चढ़ गई पत्थर पे। इसमें लॉक लगा देते हैं, रात में लॉक का ध्यान रखना है भाई। चलो ऑर्डर पिकअप करते हैं, देखते हैं रेडी है नहीं है भाई, ऑर्डर रेडी नहीं है भाई। आराम में चलते हैं भाई, अंदर हेलमेट भाई अलाउ नहीं है, गेट पे ही मना कर देंगे भाई, देख लो सुपर टेक। 20 मिनट भाई लेट हो गया, और अभी तक भाई इन लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया है बर्गर किंग वालों ने।
दोस्तों 20 मिनट भाई ऑर्डर लेट हो गया और अभी तक भाई हमारे लिए ऑर्डर नहीं दिया है बर्गर किंग वालों ने। देखो भाई अभी हम अंदर ही हैं, देखो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं भाई, अभी कह रहे हैं 10-15 मिनट और लगेंगे भाई। दोस्तों ये ऑर्डर भाई हमारे लिए 25 मिनट बाद दिया है, बताओ भाई बर्गर किंग वालों ने भाई कितना टाइम ले लिया। देखियो भाई छोटा सा पैकेट है और भाई कितना टाइम ले लिया। चलो भाई ऑर्डर रख लिया, वैसे भी काफ़ी टाइम बाद दिया है। कितने किलोमीटर दिखा रहा है? 2-4 दिखा रहा है, 2.5 किलोमीटर मान लो भाई। चलो भाई इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाई कंप्लीट करते हैं और लोकेशन एक बार देख लेते हैं। चलते रहो भाई। हम आ गए भाई सोरखा में, यहाँ पे ऑर्डर देना है। रास्ता देखो कैसा है भाई, और कुत्ते भूँ 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 कर रहे हैं भाई। दोस्तों ये भाई कैश का ऑर्डर है, 404 रुपये। अब देखते हैं भाई, कॉल लगाते हैं। ये सामने से ही है भाई, इसी में ही देना है। कैमरा है ये, क्या बोलते हैं? ठीक है ठीक है। ऑर्डर भाई दे दिया है, इसको डिलीवर कर देते हैं भाई। देखो भाई इसमें कितने रुपए, कितने मिनट तक वेट किया है हमने। इसमें भाई हमारे लिए मिले थे 51 रुपए और भाई देखो ये घंटे में ऑर्डर डिलीवर हुआ है 51 रुपए का। नेक्स्ट कर देते हैं। रात में ज़्यादातर जो कैश के ऑर्डर आते हैं ना भाई, वो फ्रॉड ऑर्डर आते हैं ज़्यादातर। चलो न्यू ऑर्डर देखते हैं भाई कितने टाइम में आता है, और 2 ऑर्डर और कंप्लीट करना है टारगेट के लिए, और हमारे पास में 1 घंटा है मात्र। आ जा भाई ऑर्डर पास में। भाई न्यू ऑर्डर आ गया, देखो भाई कितने का आया है, मैं आपको बता देता हूँ। 64 रुपए का भाई ऑर्डर आया है और इसकी पिकअप लोकेशन है भाई 2.71 km और भाई ड्रॉप लोकेशन है 7.82 km। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट। ये भाई लास्ट ऑर्डर है, या हो सकता है उधर से गो टू होम लगा के हमारे पास में ऑर्डर आ जाए। मुश्किल है, देखते हैं भाई। टाइम भी तो काफी हो गया, टाइम देखो भाई 1:05 हो गया। यहाँ पर बाइक लगा देते हैं, देख लेते हैं भाई ऑर्डर रेडी है नहीं है भाई। 6 मिनट वेट करना है भाई, 6 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर रेडी होगा। दोस्तों हम आ गए भाई रूम पर। ये वीडियो दोस्तों दूसरे दिन शूट हो रही है और हम आ गए थे भाई 2:30 बजे। लास्ट में गो टू होम हमने लगा दिया था, तो हमारे पास में भाई अपनी लोकेशन का ही ऑर्डर आ गया था। और भाई लास्ट में क्या हुआ था, जो आपने क्लिप उसमें हमने काट दी है, 2:30 बजे एक भाई हमारे लिए शराब ही मिल गया था। वो हमसे कह रहा था भाई शराब कहाँ मिलेगी, शराब कहाँ मिलेगी। तो भाई मैंने उससे बकवाद नहीं की, मैंने कहा भाई मुझे क्या पता कहाँ मिलेगी, हम खुद कोई काम ऐसा नहीं करते हैं। नहीं यार बता दो, आप तो घूमते रहते हो, आपको पता होगा कहाँ पर है ठेका। तो दोस्तों ये भी दिक्कत रात में आती है, कोई बंदा सराफी है वो आपसे ये बात पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है। तो इन बातों का भाई ध्यान मत देना, कोई भी सराफी बंदा आपको मिलता है तो आपको दिखा देते हैं भाई टोटल अर्निंग। आज हमारे भाई 5 डे कम्प्लीट हो गए हैं, और 5 डे टोटल कम्प्लीट हो गए हैं, इसमें भाई टोटल हमारी कितनी अर्निंग हुई है अब तक, क्योंकि सब दिखा देते हैं भाई, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी, जिसके वजह से भाई हम 8 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इस तरीके से हम काम कर रहे हैं डेली। अभी रेगुलर इस पे काम नहीं कर रहे हैं 12-13 घंटे, जब तक भाई तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी, और उसके बाद में हम 17-18-19 घंटे इस तरीके से हम काम करेंगे और लास्ट में भाई टारगेट खींचेंगे, क्योंकि भाई हमें टारगेट भी करना है। हम भाई स्क्रीनशॉट लगा देते हैं साइड से, आप देख लेना। हमारा फर्स्ट डे भाई कंप्लीट हुआ था, उसमें भाई 728 की हुई थी हमारी बचत, और भाई दूसरे दिन हमारी भाई 713 की हुई थी, और भाई तीसरे डे हमने भाई 13 घंटे काम किया था, इसमें भाई 910 का काम हुआ था। चौथा डे में भाई हमारा 905 का काम हुआ था, 655 रुपए बचे। आज हमारे लिए भाई पांचवा डे है, तो पांचवें डे में हमारे लिए भाई 8 घंटे हमने काम किया था और 955 का भाई काम हुआ था, 250 रुपए खर्चा आ गया था, जो हम 20-30 रुपए भाई उठाते हैं फील्ड में वो भी हम जोड़ देते हैं। इसमें दोस्तों सब खर्चा चल रहा है, पेट्रोल का भी खर्चा है, और जो हम फील्ड में कुछ खाते हैं वो भी हम इसी में ही लिख देते हैं। लास्ट 5 डे है, तो 5 डे में हमारे लिए बच गया था 705 रुपए। पहले दिन 10 घंटे काम किया था, फिर हमने 8 घंटे काम किया था, तीसरे दिन हमने 13 घंटे काम किया था,
और भाई इसमें 8 घंटे काम किया था और कल भी हमने भाई 8 घंटे काम किया था। 5 डे की अगर हम टोटल अर्निंग जोड़ेंगे तो टोटल अर्निंग जोड़ने के बाद में 3711 रुपए अब तक हम भाई कमा चुके हैं 5 दिन में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लग, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद। प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना।